Hello everyone, welcome to ASAK Education YouTube channel. This is Smritika and today हमारा जो chapter है वो है हमारा adverb. So this is a very new chapter आप लोग के लिए भी और मेरे लिए भी. तो आइए आज शुरू करते हैं adverb का first part जिसको हम बोलेंगे introductory part. ठीक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम क्या क्या सीखेंगे. हम नंबर हम लोग जनरली कंसेप्ट सीख लेंगे जिससे हमें पता चलेगा व्हाट इज एडवर्ब. हाँ, लेकिन उसका जो रिलेशन विथ नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर में. उसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कितने हैं. ठीक है, हम किस में एडवर्ब का कोई क्लॉज है या नहीं, हम इसमें फ्रेजल में कैसे यूज कर सकते हैं, काफी कुछ हम लोग इसके बारे में जानेंगे. तो फिलहाल जो हमारा जो चैप्टर है जैसे दैट इज एडवर्ब, उसमें हम जो जानेंगे दैट इज व्हाट इज एडवर्ब. सो इसका कंसेप्ट हम स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि एडवर्ब का एक्चुअल फंक्शन क्या है. तो उसका मतलब क्या है. एडवर्ब जनरली क्या करता है, मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब यानी कोई दूसरा एडवर्ब होगा उसको, और साथ ही साथ होल एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है. अब मॉडिफाई मतलब क्या, अब मॉडिफाई यानी क्या, जिस मॉडिफाई में हम जनरली क्या समझ सकते हैं, जैसे कि हमारा हो गया चेंज करना या उसको इलाबोरेट करना या एक्सप्लेन करना, दैट इज व्हाट इज मॉडिफाई. मॉडिफाई में दो मतलब होता है, एक होता है चेंज करना यानी उसको एक अलग मतलब देना सेंटेंस को. इसमें हम सेंटेंस की बात नहीं करेंगे, हम नाउन की बात कर सकते हैं, किसी एक नाउन को एक मतलब देना, उसको एक मीनिंगफुल मतलब देना. उसके साथ साथ हो गया हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एक मतलब देना, एक मीनिंगफुल सेंस में उसको कन्वर्ट करना. साथ में हम क्या कर सकते हैं, एडवर्ब यानी दूसरा कोई एडवर्ब होगा उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, इनफैक्ट पूरे सेंटेंस में एक चेंजेस आ सकता है. तो ये है हमारा फंक्शन है पूरा, जो मॉडिफिकेशन ऑफ एनी नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब होल सेंटेंस इज नोन एज एडवर्ब. ठीक है, क्लियर हो गया डेफिनेशन. यानी हम अभी जो सीखेंगे उसमें क्या होगा, जो नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इवन देन होल सेंटेंस को जो एलाबोरेट करता है, उसको एक्सप्लेन करता हो, उसको चेंज करता हो, मॉडिफाई करता हो, तो उसको हम बोलेंगे हमारा एडवर्ब. बार बार इसलिए बोल रही हूँ जाते आप भूल ना जाए. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है, तो एडवर्ब में जनरली हमें क्या देखने को मिलता है, एलवाई. क्या देखने को मिलता है हमारा, एलवाई. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड जिसमें एलवाई है वो हमारा एडवर्ब हो गया. ठीक है, जनरली हम लोग को ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताऊ आपको, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूं. आकाश रोट हीज एसे बैडली. ठीक है, आकाश एक सब्जेक्ट का नाम है. आकाश रोट हीज, रोट क्या लिखा उसने, एक ऐसे लिखा. ठीक है, जो काफी खराब है. ठीक है, बैडली, आकाश रोट हीज ऐसे बैडली, ऐसे रिलेटेड बोल लो, ऐसे बोल लो, कुछ भी बोल लो. ठीक है, अब इसमें बात ये आई कि ये बैडली जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं ये एडजेक्टिव है या अपना एडवर्ब है. तो बैडली इसमें जो यूज होगा वो हमारा एडवर्ब है. बैड हर वक्त हर सेंटेंस का कुछ एक एल वाई लगाने से ये मतलब नहीं होता है कि ये एडजेक्टिव हो गया या ये बैड हो गया. अब यहां पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. नाउन के बाद क्या लग रहा है अपना, बैड नहीं लग रहा है. जब ये जनरली क्या होता है, एडवर्ब या तो सेंटेंस के पहले दिखता है या सेंटेंस के एग्जैक्ट लास्ट में दिखता है. ठीक है, एडवर्ब जनरली कहाँ दिखता है, सफिक्स में दिखता है या प्रीफिक्स में दिखता है, सेंटेंसेस की बात कर रही हूं मैं. ठीक, तो एडवर्ब इसमें क्या है अपना, बैडली है. हम अगर जनरली अगर ये सेंटेंस में अगर ये लिखा हो चूज एडजेक्टिव और एडवर्ब,
तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये एक्चुअली एडवर्ब में जाएगा या एडजेक्टिव में जाएगा. तो इसका भी ट्रिक्स है, टिप्स है, जो मैं आपको फर्दर लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन करूंगी. इसके साथ साथ हमारा अभी जो नेक्स्ट है, इसको थोड़ा और अच्छे से कंसेप्चुअली समझने के लिए हम पहले ये जो पोर्शन है हमारा ब्लैक पोर्शन वो रीड कर लेते हैं. एडवर्ब ऑफन एंड्स इन ly, बट सम आर सच वर्ड्स विच लुक्स एग्जैक्टली लाइक एडजेक्टिव लाइक दिस वन राइट, सच एज फास्ट. अब फास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप अगर फास्ट अगर सुनेंगे तो आपको जनरली ये वर्ड कैसा लगेगा, एडजेक्टिव फॉर्म लगेगा, बट समटाइम इट ऑल्सो यूज इन आवर एडवर्ब सेक्शन एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा एग्जाम्पल है, लेट्स अंडरस्टैंड. अब मैं इसमें आपको थोड़ा बहुत हमारा जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके बारे में भी इसमें ही थोड़ा बहुत आपको टिप्स से समझा दूंगी, सो दैट इन फ्यूचर आप जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर देखोगे उसमें आपको कंसेप्चुअली आप समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से. ठीक है, जैसे कि टॉम इज वेरी टॉल, टॉम इज वेरी टॉल, टॉम क्या है, बहुत लंबा है. अब टॉम इज वेरी टॉल, वेरी वर्ड आ रहा है यहां पे, ठीक है, वेरी टॉल क्या है, वो टॉल है. तो अभी ये वाला मुझे सेंटेंस बताइए, ये क्या होगा अपना, ऑब्वियसली ये एडवर्ब है, लेकिन ये किसका एडवर्ब है, अपना नाउन फॉर्म का एडवर्ब है. ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को. कैसे, टॉम के बारे में बता रहा है वो, टॉम क्या है, टॉल है, ये तो पता था, लेकिन वेरी वर्ड कहां से आया, दैट इज एडजेक्टिव, टॉम इज वेरी टॉल. नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, फॉर्चुनेटली, खुद खुशकिस्मत से, सॉरी खुशकिस्मत से, आई हैव अनदर कॉपी ऑफ साइंस नोट्स, खुशकिस्मती से मेरे पास दूसरा कॉपी है साइंस नोट्स के. तो खुशकिस्मती यानी फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली को ये जो सेंटेंस है ये फॉर्चुनेटली वर्ड पर डिपेंड कर रहा है पूरा. जो उसका प्रेशर ऑफ सेंटेंस देखोगे तो उसका पूरा वेटेज किस में जा रहा है, अपने फॉर्चुनेटली पे जा रहा है. तो ये फॉर्चुनेटली वर्ड क्या है, अपना एडवर्ब है. अभी फॉर्चुनेटली ये किसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, पूरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है, पूरे सेंटेंस को. एज आई सेड अर्लियर कि आपके जो नोट्स होंगे, आपके जो सेंटेंसेस होंगे उसमें क्या होगा, फर्स्ट में या तो ly आएगा, ly दिखेगा, उस टाइप में जो वर्ड्स होंगे वो होंगे हमारे वो एडवर्ब, या एग्जैक्टली लास्ट यू विल सी दी एडवर्ब्स. ly जनरली नहीं होता, इसमें बहुत सारे टाइप्स होंगे, आपको पता चल जाएगा. सिर्फ ly पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें और भी टाइप्स के बारे में भी जानना है. तो फॉर्चुनेटली आई हैव अनदर कॉपी ऑफ साइंस, दिस सपोर्ट्स द होल सेंटेंस. ये सेकेंड वाला ये है, और फर्स्ट वाला क्या है, अपना नाउन. ठीक है, समझ में आया पूरा. ये कंसेप्चुअली एक इंट्रोडक्शनल है, ठीक है, इसको आप एक इंट्रोडक्शन मीन्स एक वीडियो की तरफ से आप ले सकते हैं ये एडवर्ब का. इसके बहुत सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेगा, आपके साथ रिलेशन बिटवीन एडवर्ब एंड नाउन कैसे मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब नाउन को, इसके अलग अलग लेक्चर्स में अलग अलग पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगी, सो दैट यू विल मेक इट प्योरली श्योर दैट यस आई हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट अबाउट द एडवर्ब एज वेल. ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज वॉच अवर नेक्स्ट वीडियो टू. थैंक यू, टेक केयर.